Okay, students. So I'm back with my subject, Hindi subject. So Hindi subject में आज हम क्या करने वाले हैं? Hindi subject में आज हम पहेलियां पढ़ने वाले हैं. Yes, students. आज हम हमारे इस session में पहेलियां पढ़ने वाले हैं. So students, सबसे पहले तो पहेलियों का मतलब क्या होता है? Yes, students. पहेलियां means puzzles. हमें कुछ वाक्य दिए गए होते हैं और उसमें से हमें पहेलियों का उत्तर ढूंढना होता है. Okay, students. So let's start our first पहेली. रंग है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा. क्या लिखा है स्टूडेंट्स? रंग है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा. भीतर से मैं हूं लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल. यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें एक पहेली दी गई है और हमें इसका उत्तर ढूंढना है. यस स्टूडेंट्स, आपको लगा ना कंफ्यूजिंग? तो पहेलियां ऐसी ही होती है, वो हमें पजल्ड और कंफ्यूज करती है, उसके बाद हमें उसका आंसर ढूंढना होता है. यस स्टूडेंट्स, ये शायद एक फ्रूट है. कौन सा फ्रूट है? आप थिंक स्टूडेंट्स, कौन सा फ्रूट बाहर से हरा और अंदर से लाल होता है? कौन सा फ्रूट बाहर से हरा और अंदर से लाल होता है? यस स्टूडेंट्स, तरबूज. तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल होता है. क्या लिखा है यहाँ? रंग है मेरा हरा भरा, यानी कि तरबूज बाहर से हरा होता है, यानी उसका कलर हरा भरा, यानी ग्रीन कलर. रंग से रहता हरा भरा, वो रसीला होता है. यस, आपने वाटरमेलन यानी कि तरबूज खाया होगा. सो वो बहुत वाटरी फ्रूट है, यानी कि जब हम उसे खाते हैं तो हमें रस वाला फ्रूट लगता है, यानी रस से भरा हुआ लगता है. भीतर से मैं हूँ लाल, यानी कि मैंने अभी बताया कि जो वाटरमेलन होता है उसका अंदर का एरिया जो होता है वो रेड कलर का होता है. प्यास बुझाकर पूछूं हाल, जब हम वाटरमेलन खाते हैं सो हमारी प्यास बुझ जाती है और हमें बहुत अच्छा फील होता है ना स्टूडेंट. तो यहाँ पे इस पहेली का उत्तर क्या आएगा? तरबूज. राइट डाउन आंसर ओवर हियर. क्या है इस पहेली का उत्तर? तरबूज. स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पहेली. व्हाट इज द नेक्स्ट पहेली? रीड इट. मेहनत से मैं कभी न डरती, मेहनत से मैं कभी न डरती. कानों में मैं टिक टिक करती, मेहनत से मैं कभी न डरती, कानों में मैं टिक टिक करती. सो स्टूडेंट, सोचिए कि टिक टिक की आवाज हमें कहाँ से सुनने को मिलती है? यस, टिक टिक की आवाज तो हमें क्लॉक से सुनने को मिलती है, यानी कि घड़ी. अब मेहनत से मैं कभी न डरती, ये यहाँ पे क्यों लिखा गया है कि मेहनत से मैं कभी न डरती? यस स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लॉक कंटिन्यूअसली पूरा दिन टिक 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 करती है, वो पूरा दिन मेहनत करती है, वो मेहनत करने से कभी नहीं डरती है. एंड यस स्टूडेंट्स, आपको भी कभी मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए. आपको भी क्लॉक यानी कि घड़ी की तरह मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहनी चाहिए. कानों में मैं टिक टिक करती और क्लॉक हमारे कानों में टिक टिक करती रहती है. सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? घड़ी.
हमारी दूसरी पहेली का उत्तर है घड़ी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू आवर थर्ड पहेली। अब हमारी तीसरी पहेली में क्या कहा गया है? चिड़िया नहीं लेकिन मैं कितना ऊंचा उड़ती हूँ। मैं चिड़िया नहीं हूँ लेकिन फिर भी कितना ऊंचा उड़ती हूँ। डोर मुझे तो देखो फिर कितना ऊपर उड़ती हूँ। डोर मुझे दे दो और फिर देखो मैं कितना ऊपर उड़ती हूँ। यानी कि इस पहेली में ये कहा गया है वो कोई चिड़िया नहीं है लेकिन फिर भी वो आसमान में उड़ती है। पर वो किसके सहारे उड़ती है? डोर के सहारे, यानी कि डोरी के सहारे। सो डोर के सहारे उड़ती है। अब डोर के सहारे उड़ने वाला और वो चिड़िया भी नहीं है, कोई पक्षी भी नहीं है, तो वो क्या है? यस स्टूडेंट्स, पतंग। क्या है वो? पतंग। सो यहां पे हम लिखेंगे पतंग। पतंग ही है जो चिड़िया नहीं है लेकिन बहुत ऊंचा उड़ती है। उसे हम डोर देंगे तो वो बहुत ऊपर उड़ जाती है। इसलिए हमारा इस पहेली का उत्तर है पतंग। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज नंबर फोर। नंबर फोर में क्या है? जंगल में रहता हूं मैं, जोर से खूब गरजते हूं। बादल नहीं राजा हूं मैं, नहीं किसी से डरता हूं मैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जंगल के एक पशु या प्राणी की बात की गई है। अब वो प्राणी है कौन? जोर से खूब गरजता हूं। अब कौन सबसे ज्यादा गरजता है? बादल नहीं राजा हूं, राजा। यस, तो अब इस वर्ड से हमें पता चलता है जंगल का राजा कौन है? यस, शेर। नहीं किसी से डरता हूं। यस स्टूडेंट, शेर जंगल का राजा है और शेर किसी से भी डरता नहीं है। सो यहां पे इस पहेली का उत्तर आएगा शेर। शेर ही है जो जंगल में रहता है, खूब जोरों से गरजता है। वो बादल नहीं है लेकिन वो जंगल का राजा है और वो किसी से डरता भी नहीं है। आपने देखा होगा ना पिक्चर्स में, टीवी में, कि शेर बहुत जोरों से गरजता है और उसकी गर्जना से सब डर जाते हैं लेकिन वो किसी से भी नहीं डरता है। तो हमारी इस पहेली का उत्तर है शेर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारे इस वीडियो में क्या सीखा? पहेलिया। पहेलिया मीन्स पजल्स। पजल मीन्स हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसके ऊपर से हमें पहेलियों का आंसर सोचना है और लिखना है। दिस इज द गेम ऑफ माइंड ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू हैव क्लियर द कंसेप्ट ऑफ पहेलिया। सो स्टूडेंट्स, बिफोर दिस वीडियो वी विल प्रोवाइड यू होमवर्क